कैसे लग रहे हैं बेहतर। और तुम्हें क्या शौक चढ़ा था दवाई की पूरी बोतल खत्म करने का? चलो वो तो बेवकूफ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, क्यों किया ऐसा? ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं सुमित्रा दादी को गलत दवाई नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं करती तो सब लोग मुझ पे शक करते। इमली, ऐसा नहीं होता है। इमली, अंग्रेजी हीरो धीरे धीरे मिल के हीरो बनते जा रहे। काव्या चाची सही तो नहीं कह रही थी, कहीं सच में अंग्रेजी हीरो से दूर तो नहीं हो जाएंगे? गुस्सा आ रहा है? ये सब देख के किसी पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा का भला? ये मिली की बच्ची कभी बताते से वहां जाकर तुम अपना ही सम्मान गिराओगी। ये तुम भी जानती हो कि तुम जैसे ही वहां जाओगी आकाश तुम पर भड़कना शुरू कर देगा। फिर हम कहा करें? ये मिली की बच्ची अपनी हर पार कर रही है। हाँ। पर तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आकाश कोई ना कोई वजह ढूंढकर तुम्हें ही गलत साबित कर देगा। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार, इज्जत और सम्मान कुछ भी है, बल्कि उसने तो मुझसे ये बोला था कि ये शादी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी है। वही मजबूरी जो के लिए अपनी जिंदगी जीते जीते अपनी जान भी दे देंगे ना, तो भी हमें पूरा यकीन है कि ये हमें दिल में जगह नहीं देंगे। आप भी बताइए, क्या आओ कि होना या कम पढ़ा लिखा होना गुनाह होता है? नहीं, गुनेगार तुम नहीं हो, गुनेगार वो आकाश जो कभी तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सादगी, तुम्हारे दिल को कभी समझ ही नहीं पाया। नंदनी, मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा, प्यार करने और सबको खुश रखने वाला इंसान देखा है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। चलो आराम करो ना। हे रोना बंद करो नंदिनी, हे आंसू बहुत अनमोल है, इन्हें ऐसे बहने मत दो। रिया, क्या हुआ बेटा? सुनीता बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस दादी थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी। अब तुम पुरानी वाली प्रिया नहीं हो, तुम बदल गई हो। तुम्हारे पेट में बच्चा है और अब तुम्हें तुम्हारे सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, तुमको रोज रात को बाहर जाना है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, तुम घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। और ज्योति, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक तुम उसकी सेवा करोगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम भी समझ गई ना? दादी, पता नहीं क्यों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ज्योति, उसके पैर दबा दो जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ, ठीक है? जी दादी। ज्योति,
दबा दो। हाँ ठीक है दादी, हम आते हैं अभी। पता नहीं क्या हो गया भाभी अचानक। काश हम भी पेट से होते तो आज घर वाले ना हमारी भी सेवा कर रहे होते। थोड़ा जोर से दबाओ ज्योति भाभी। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों लेके आए? जल्दी आ, ये देख सुमित्रा कितनी लापरवाह है, इतना सारा पैसा ऐसे ही फेंक के चली गई। लापरवाह नहीं है वो, दरअसल उन्हें हमारी कुछ ज्यादा ही फिक्र होगी, इसलिए तो इतने सारे पैसे ऐसे खुले छोड़ दिए। हमारे लिए काहे छोड़ेगी? ताकि हम चोरी कर सके। अच्छा तो फिर सुबह काम में देरी कैसी? अपने घर में तो चोर भी चोरी नहीं करता है बड़ी दादी, ज्यादा मत बोलो। और हमें अगर चोर कहा ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। और ये घर हमारा है तो ये पैसे भी हमारे ही हुए। घर आपका है पर पैसे दादी माँ के, उनकी मेहनत की कमाई है। आने दीजिए दादी माँ को, उनको आपकी चोरी के बारे में सब बताएंगे। कमिया, इससे पहले कि सुमित्रा आके कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे, चल इससे पैसे वापस रख देते हैं। नहीं सासू, चंटो मैया तो वैसे भी सुमित्रा चाची को सब बताने ही वाली है ना, तो अगर वो बताने ही वाली है तो क्यों ना ये पैसे हम रख लेते। और उस चंटो मैया की आप टेंशन मत लीजिए, आज उसे मैं अच्छे से सबक सिखाने वाली हूँ। क्या करने वाली है तू? एक और नई खुराफा। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी जिंदगी है, हम जो चाहे वो करेंगे, तुमको उससे क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो नंदनी? चुप करो। जरा ज्ञान की देरी मत बनो। आई बड़ी हमें तमीज सिखाने वाली। आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो? आलू मटर की सब्जी बना रहे। बोलो खाओगी तुम? देखने रहा खेल रहे ना, या फिर उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई है? आज ये नंदनी को क्या हो गया है? अच्छा सुनो ना, वो आपके पास जो बड़ी वाली गाड़ी है ना, उसमें मैं अपने नानू के पास छोड़ा हूँ ना, और मैं हमारे नानू के पास जाना है। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? अभी तुम ठीक नहीं हो, चलो कमरे में चलते। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया। हमें ना
सिक्का बोल रहे ना हम खेल रहे खेल लो हमें तो। ये कैसे बात कर रही हो तुम दादी से? तुमसे भी करेंगे। ओ अंकल चुप रहो। अब आया मजाक? आए तो तुम ना तुम देखी देखी से लग रही। दादी आप चिंता मत कीजिए, इसने भांग भांग की गोली वोली खा ली है इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस गंवार को तो आए दिन इस घर में हंगामा करना होता है। अंकल गंवार मत बोलना मिट्टी के, मतलब फिर देख लेना फिर आप फिर हमारी चप्पल हो गया और तुम्हारा पीठ मार मार के लाल कर देंगे। हाँ तो छोड़ो मैं। वैसे अंकल आप ना हीरो लगते हो, एक नंबर के हीरो। तुम दोनों चलो जाओ। अरे जाओ अपने अपने घर जाओ ना। आज ये नंदनी को क्या हो गया है? इससे पहले तो कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की है। जोड़ो हमें जोड़ो। क्या किया तुमने? शराब पी ना। नहीं मैं तो आपका नशा हुआ है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम हट्टे घट्टे। बात बजाए आओ ना। हमें ना आपसे प्यार हो गया है। पर एक दिक्कत, आप ना बहुत बड़े लगते हो एकदम एकदम अंकल जी की तरह। अंकल लगते हो तुम्हें? आनी तो कब पाले में खेलते हुए मुन्ना थोड़ी लगोगी। देखो नंदनी मुझे ये सब बातें नहीं करनी, चुपचाप से आंखें बंद करके सो। हाय राम राम ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हम किसी बराए मर्द के बिस्तर में कैसे सो सकते हैं? हाय हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? हमें ना हमें अपने गांव जाना है, हमें हमारे नानू के पास जाना है। देखो तुम नाटक बंद करो, चुपचाप से सो तुम। हमें नानू के पास जाना है। अरे वाह कमिया। आज तो तूने हमारा दिल जिगर फेफड़ा सब जीत लिया। लंबूतड़ी आज तो तेरे को हमारी तरफ से सलामी बनती है। ऐसी धजिया उड़ा दी तूने चंटो मैया की कि दिल खुश हो गया। धजिया तो उस चंटो मैया ने सुमित्रा चाची की उड़ा दी। उसके मुंह से सुमित्रा चाची के लिए बढ़िया शब्द सुन के इतना सुकून मिला है दिल को। आए हाय परी तो बता कि चमत्कार हुआ कैसे? पानी तक कड़वा काहे लग रहा था? सर सर काहे घूम रहा है?
सर तो घूमेगा ही ना, क्योंकि ये पानी नहीं देसी शराब पी है तूने। इसे पीने के बाद ऐसा सर घूमेगा कि तू अनाप शनाप हरकतें करेगी, आक्रामक हो जाएगी, इंसान से जानवर बन जाएगी। और इसके बाद तेरी सुमित्रा चाची और अंग्रेजी हीरो आकाश की नजर में तेरी इज्जत जीरो हो जाएगी। इधर आओ कबीर। ओह इधर गई। बहुत बोल रही थी ना चंटो रानी कि हम सुमित्रा दादी को सब बता देंगे, अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रहेगी तो क्या बताएगी, जुबान ही इतनी लड़खड़ाएगी। अब सुमित्रा चाची के पैसे भी हमारे और उस चंटो की बेइज्जती के बाद जीत भी हमारी। आज तो तूने अपना हुक्म का यक्का चला दिया, उस देसी गवार को देसी दारू पिलाकर ऐसी गवार बना दिया कि अब तो सुमित्रा और आकाश खुद उसको धक्के मोर मोर के घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद मिली को आकाश की पत्नी बना देंगे। फिर क्या है कमिया, अरे सिक्का तो हमरा ही चलेगा। और इस चंटो मैया की पावर ऑफ अटर्नी भी हाथ से चली जाएगी। क्या हुआ आकाश? क्या बात है? इसने शराब पी ली, फालतू का हंगामा कर रही है। एक काम करो मिली, तुम ठंडा पानी लेके आओ, उससे इसका नशा उतर जाए शायद। मैं ठंडा पानी नहीं चाहिए, हमें ठंडक तो तब मिलेगी जब हम अपने नानू के पास जाएंगे। चलो नानू के पास जाएंगे, चलो ना नानू के पास ले चलो ना, हमें चलो ना। हम किस जंगली बिल्ली ने काटा ना बताओ, उसका हम भी काटेंगे उसको। बताओ कौन है वो? पानी करूं मैं इस लड़की का। सपना देखा प्रिया, हमने देखा कि नंदिनी तुम्हारा गला दबा रही है और तुम्हें मारना चाहती है। पागल वागल हो गई हो क्या ज्योति भाभी? वो नंदिनी मेरे गले तक पहुंचेगी। हमें तो लगता है ना कि जब खेत से मूर्ति निकली थी ना तो नंदिनी के ऊपर कोई भूत आ गया था और वो भूत तुम्हें मारना चाहता है। हाँ भूत? भूत मुझे क्यों मारना चाहेगा? अरे वो तो भूत है ना, वो तो किसी को भी मारना चाहेगा। पता है हमारे गाँव में भी ऐसा एक बार हुआ था, एक औरत थी ना उसके ऊपर भूत आ गया था और उसने ना अपनी मंझली भाभी को ना कना काट के मार दिया था। हमें तो लगता है ना नंदिनी के ऊपर भी वही भूत आ गया है। हाँ हाँ ऐसा क्या?
और नहीं तो क्या, कभी तो हमें इतना डरावना सपना आया ताकि हम समय रहते तुम्हें बचा सके। देखो अब हमने तो तुम्हें बता दिया है, तुम समझ लो। बहुत पैर दबवा रही थी ना हमसे, देखती जाओ अब तो हम तुम्हें और टेंशन देने वाले हैं। अरे हमें हमारे नानू के पास जाना है। तुम सोई नहीं अभी तक? बात बताओ, आप और अंकल हमें सुलाने के पीछे गए पड़े हो? ए बुढ़िया, सच सच बताओ कि कुछ साजिश तो नहीं रच रहे हो हमारे खिलाफ? अच्छा एक काम करो, चलो गाड़ी तो अब बहुत हो गया आपका आराम, अभी हमारी आराम करने की बारी है। जा हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना के ला। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगी ना तब तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना दूंगी, ठीक है? अब सो जाओ, चलो। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? देखो हमारी ना रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करो, हम बोल रहे हमें खाना है मतलब हमें खाना है। नंदनी बस बहुत हो गया, अब समझे रातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अभी बताते तुमको, तुम्हारा बहुत हो गया अभी। नंदनी हाथ छोड़ो दादी का। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फिर आगे देख लिया दादी, गवार बहू लाने का नतीजा। ओ अंकल गवार मत बोलो, हम गांव के गवार नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार है हम। इसी लड़की से आपने जबरदस्ती शादी कराई थी नंदा दी, देख लीजिए अब इसको। और तुम्हें इस हरकत की सजा मिलेगी, आज सारी रात तुम स्टोर रूम में बंद रहोगी, फिर अकल ठिकाने आएगी तुम्हारे। चलो तो नहीं, हमें भूख लग रही है। बढ़िया है, फिर तो आज रात ही पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा लेते हैं। पता नहीं किसने ये नंदिनी की हालत कर दी है। भाई सास अभिमानी है? क्या हुआ, बड़ा अभिमान था तेरे को अपनी नंदिनी पे? क्या हुआ सुमित्रा, सारा का सारा अभिमान मिट्टी में मलाई दिया है? देख रही है कैसे तेरी बहू ऐसे घूम रही है? बुढ़िया खाना बना है? बोल बोल अब। बोले अब हम बोलना, हम जानते हैं नंदिनी की ये हरकत के पीछे आप और काम्या का हाथ है। हमारी बेइज्जती करने के लिए आपने जरूर कोई खेल रचा है नंदिनी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।